ਜੀ ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਨੀਮਾਨ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਟਾਲੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੁਤਾਲਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, माता पिता भगवान की जय। नगर खेड़े की जय। बहुत साचे दरबार की जय। मैं अपना डेरा टालीवाला पिंड रायपुर पहुंचे हुआ साध संगतां दा, साधु महात्मा दा तय दिलों बाबा राम मुनिया वालों धन्यवाद करता। तो उस तो बाद डेरे के इतिहास में जानते हुए कि जो डेरा टालीवाला, टालीवाला इसका नाम क्यों पिया, इस जगह पर कई टालियां लगियां इस समय थोड़ा रूही बियाबान होंदा सी। इत्थे महापुरश जो कि अज जखेपुर स्थान बनया स्वामी परमानंद महाराज जी, वो इत्थे बड़ा समा तप तपस्या करके गए। जिस प्रकार पहला समा की संत थां थां पड़ाव लाने हुए तपस्या करते, तो इस जगह पर भी महापुरशा ने तपस्या करी। तपस्या करन तो बाद जो समा बड़ा उदासीन बड़ा खाड़े दे महंत स्वामी स्वर्गमुनि जी ते स्वामी सतंत्रानंद महाराज जी मंडी दे विच सेवा करते सी, और उस समा बीतिया ते महापुरशा ने इत्थे आया आया तो उन्होंने बड़ा मन शांति मिली। तो इतने तप तपस्या वाली जगह पर बह के महापुरश भी तप कर लगे। जो तप कर लगे तो यह जगह बाबिया की यही जन्मभूमि सी। इस जन्मभूमि के बाबिया की कुछ जमीन सी अपने नाम, तो जो जमीन की तो बाबिया ने फिर बेनती करी उस समय के नगर वालों भी भाई साड़ी जमीन आ जिहड़ी इत्थे कट्टी जाए, इस जगह पर असी अपना स्थान बनाना चाहते। बाबे ने बहुत समा मंडली की सेवा करी, जो तो शरीर उन्होंने थोड़ा बजुर्ग हो गया तो इतने आके वो सेवा कर लगे। उन्होंने नगर खेड़े में दवाई बूटी तो लै अपना भजन बंदगी तो लै अनेक लोगों संगतों का भला कर, और भला करद्या करद्या महापुरशों का स्वामी जी का शरीर इतने 2004 के पूर्ण हो। 2004 स्वामी जी ब्रह्मलीन हुए तो उदू बाद स्वामी राम गुरु महाराज जी नगर निवासी इकट्ठे हो गए सारे ने इत्थे दी मानदी पगड़ी रस्म की। उस तो बाद स्वामी राम मुनिया ने बहुत वधिया ढंग नाल इस जगह पर सेवा संभाल करदे आ बहुत वधिया हर साल अपने गुरु पीर की याद नूं ताज़ा करदे होए आ समागम कराउंदे। इस साल अपने गुरुआं दी बख्श नूं मुख रखदे होए अपने जौन जागर नूं मुख रखदे होए आ बाबिआं ने श्री रब्बी बाणी लाही बाणी तों दरगाही बाणी दे श्री अखंड पाठ प्रारंभ 7 तरीक नूं करवाए सन, जिन्हां दा अज भोग है। और भगवान की कृपा नाल संत महापुरश भी इकट्ठे होए ने, स्वामी अपना रमेश मुनि महाराज जी, बाबा बरागानंद महाराज जी, और अपने बाजे वाले तो महापुरश इकट्ठे होए ने, गुजरात चो महापुरश आए ने, मध्य प्रदेश तो महापुरश आए ने। इस प्रकार जिन्हां महापुरशां दे आपां कदे दर्शन करना जाइए तो आपां नूं ना ही तो इन्ना समा नाले बहुत सारा पैसा ला के जाना पैंदा। ये समागम का कारण की है भी कि सब महापुरशों के इत्थे दर्शन हो जाते हैं, नगर खेड़े का भला हो जाता, जिथे साध जन आ जाते हैं उत्थे तो फिर तीर्थ बन जाता। उस इस प्रकार महापुरशों के याद नूं ताज़ा करदे होए सारी साध संगत ने हाजरियां लवाईआं, और मेरी बेनती है महापुरशों वल्लों साध संगत नूं कि जिवें कि अपने बाबा स्वर्गमुनि ते सतंत्रानंद जी आपां नूं दस के गए ने, उसी प्रकार सब नूं सेवा संभाल करनी चाहीदी आ, उसी रास्ते ते आपां नूं चलना चाहीदा, क्योंकि अपना जीवन सफल होवे। कहिंदे आ अपनी बाणी विश्राम। साडे नाल साडे पिंड रायपुर दे ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਨ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਸਵਾਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਣ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਰਕਾਰ। ਬੜਾ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸਤੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ
पावन स्थान डेरा टाली वाला विखे हर साल की तरह सालाना भंडारा जो कराया जाता है संतों वालों सारे नगर के इलाके दंगत के सहयोग न नगर की चढ़ती कला समुचे इलाके दसलों के वाधे देह रोगता सरबत के भले लिए बड़ा परोपकार संतों वालों श्रीमान संत बाबा रामनी जी वालों सारिया संगत के सहयोग न किया जाता है। मैं दसना चाहना एक मिनट में वो पावन स्थान है नगर के जिस स्थान पर बहुत ही काबल शख्सियत काबल महान संत रैबर श्रीमान 108 संत बाबा स्वर्गवासी स्वर्ग मुनि जी होए है जिन्हों की बरोसाए जिन्हों की लाई नर्सरी के बेअंत साधु महात्मा भारत के नहीं बल्कि होर भी देशों के कोने कोने विचर के वो ज्ञान का खुशबो बन रहे हैं क्योंकि अपने आप में श्रीमान संत बाबा स्वर्ग मुनि जी बड़े महान परोपकारी माया तो लेप संत सन उन्हों का पावन स्थान है उन्हों तो भरोसाए श्रीमान संत बाबा राम मुनि जी हर साल की तरह इलाके संगतों के नाल मिल के सालाना भंडारा करते हैं। उस तहत परसों के दिन तो लैके रब्बी बाणी के महान पवित्र गुरबाणी के बाहो बाहो बाणी निरंकार है सजेवड़ा बिना कोई तुरकी बाणी के महान जप जा के श्री अखंड पाठ साहिब परसों के दिन तो लैके प्रारंभ करवाए गए सन अज भोग पाए गए ने भोग ते जिथे वख वख इलाके दियां पंचायतां समुचा नगर साधु महात्मा दूरों नोड़े पहुँचे है तो सारिया संगतों का श्रीमान संत बाबा राम मुनि जी वालों धन्यवाद किया गया। भोगों तो उपरंत समुचे नगर के लिए गुरु के लंगर तुट वरते है साधु महात्मा के लिए पंगतां लगी हैं बहुत उच्च कोटी के संत साढ़े ही पिंड के श्रीमान संत बाबा भूमनानंद जी बड़ा डेरा श्रीमान संत बाबा रमेश मुनि जी तलवंडी साबो होर भी अनेक संत सारे ने क्यों नाम लैन लग जाइए टाइम लगेगा सतगुरु जी संगत जानती है। सो बड़ा वधिया समागम हर साल की तरह होंगे इस साल भी सतगुरु की कृपा नाल यह समागम नेपरे चढ़िया है तो सतगुरों का कोटान कोट धन्यवाद है संगत का नगर का समुचा नगर इस सालाना भंडारे से जी पार्किंग वाजियों तो उपर उठ के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे गौशाला की प्रबंधक कमेटी होवे समुचे नगर के क्लब नौजवान इस समागम के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे है अपनिया कमाइया सफल करते हुए दसवंध पहुँचाते हैं रस्ता बस्तों पहुँचाते हैं तुम संगत का कट दर्शा रहे हैं कि संगत का प्रेम है नगर में कि साधु महात्मा प्रति एक थवाक प्रेरित है। जो असं ऐसे संतान की कृपा न महाराज की कृपा न भंडारे करते हैं पंगत में जुड़ के बैठते हैं समुचा नगर जुड़ के बैठता है साधु महात्मा जुड़ के बैठते हैं एके का संदेश भी जाता है साड़िया कमाइया का असं दसवंध भी कड़ते हैं किरत कमाइया सफल होंगे सो सारे नगर का धन्यवाद है। मैं बेनती करना इस नगर का गुरु घर का कुकर ग्रंथी होने के नाते कि समुचा नगर इस तरह साधु महात्मा क्लब समुचिया प्रबंधक कमेटियां जुड़ के असी बैठीए और गुरु दर के दरबार में जुड़ के बैठीए चढ़ती कला तत्पर रहीए नशियां तो जो नौजवान प्रेरित है उन्होंने प्रेरित करके नशियां तो हटाइए नगर की चढ़ती कला एक दवाक काम करिए ही साढ़े जिहड़े ये सालाना समागम किए सफल है। यही संदेश अज का संतों वालों दिता गया जिन्हें भी नौजवान है नशे तो विवर्जित हो के वह संगत में जुड़िया करन ताकि नशे तो वांझे हो के उस शरीर वल ध्यान देन पार्टियां वाजियां तो उठ के असी गुरबाणी गुरु का ज्ञान वंडिए साधु महात्मा की चरण शरण में जुड़ के इस तरह चढ़ती कला जब तक समागम करते रहिए ताकि साडा नगर इलाका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे इनिया बेनती प्रवान करनिया जिन्हें भी साधु महात्मा आया सारे का धन्यवाद है सारे संतान का नगर का तुहाडी टीम का श्रीमान संत बाबा जी राम मुनि जी वालों जो स्वर्ग मुनि तो भरोसा है उन्होंने वालों सारे का धन्यवाद है। गुरु कृपा करे चढ़दी कला बख्शे बोलिया कलों हो फुलां की खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।